हाय दोस्तों, नमस्कार। आप देख सकते हो आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। वापस BS4 बजाज सी डीजल इंजन टिपर टेम्पो आप देख रहे। विशाल पाटिल गाड़ी सर्विसिंग करने वाला है और ये जॉब कार्ड है। सर्विसिंग में क्या क्या चेंज हो जाएगा ये सब कुछ इस कागज़ पे लिखा रहता है। और मैं अभी शोरूम में हूँ, सर्विस सेंटर। आप देख रहे ये लोग अभी फिल्टर खोल रहा है। फिल्टर जो है डीजल का है। और देख सकते हो अभी इंजन ऑयल का ऊपर का ढक्कन छोटा वाला वो खोल रहे पकड़ से। दोस्तों अभी खोल दिया है। अभी आप जो देख रहे हैं जो ढक्कन खोल रहा है बोल्ट वो डिप्रेशन का है। ध्यान से सुनो, डिप्रेशन का। और अभी जो खोल रहा है वो इंजन गियर बॉक्स का है। ये बोल्ट वगैरह उन लोगों ने कसे थे दूसरे सर्विसिंग में, क्योंकि उसके अंदर पानी वगैरह जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बहुत बहुत ही टाइट किया था। दोस्तों बोल्ट तीनों भी खोल दिए। अभी नीचे का नट बोल्ट खोल के अभी उसके अंदर से ऑयल निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी गियर बॉक्स साइड का खोल रहे नट बोल्ट। पहले से खोला था उसने इंजन का, और अभी ये खोला है वो गियर बॉक्स का खोला है। दोस्तों कम लाइट है, इसके वजह से आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो देखते रहिए। लाइट कम है शोरूम में, इसके वजह से प्रॉब्लम है। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी एयर फिल्टर खोला है जहाँ से हवा पास होती है, और ये एयर फिल्टर है। इसको आप एयर से साफ कर सकते घर पे ही, छोटा पंप वगैरह होगा तो। इससे बढ़िया हवा अंदर जाने से गाड़ी का पिकअप बढ़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हो ऑयल पूरा का पूरा निकल गया है, और वापस नट बोल्ट फिट कर रहे। जो आप बोल्ट दिख रहे वो इंजन का लगा रहा है, पूरा ऑयल निकल गया है।
वापस, तो आप देख सकते हो एयर फिल्टर था, उसका झक्कन लगा नहीं था, उसका फिट कर रहे, क्योंकि उसमें गाड़ी धोते समय पानी नहीं जा सकते, इसके वजह से उसे फिट कर रहे। और आप दोस्त देख सकते हो कि अभी डिफ्रेशन का नट नहीं खोला था, तो उसे खोल के ऑयल निकल रहे, इसका लास्ट स्टेप है ऑयल निकालने का। आप देख सकते हो निकल रहा है बाहर। दोस्तों ऑयल के बारे में एक बताओ कि इंजन में ऑयल, गियर बॉक्स में ऑयल और डिप्रेशन में ऑयल, एक ही क्वालिटी का ही डाल दीजिए, अलग अलग मतलब गियर और गाड़ियों को क्या होता है, गियर बॉक्स में अलग सिस्टम के डालते हैं और जो इंजन में वो पतला डालते हैं, ऐसा मत कीजिए, एक सिस्टम का ही तीनों जगह पे डालिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तब वो मानो सील बिल का प्रॉब्लम होगा, तीनों कॉइल सेम होने से कुछ इंजन में प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए इसके वजह से वो तीनों को ऑयल एक ही क्वालिटी के डाल दीजिए, अलग अलग मत। और दोस्तों देख सकते हैं लास्ट नट टाइट करे, कस रहे। दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रीसिंग चालू है कैबिन के अंदर, जो अपना हैंडल रहता है उसके नीचे पैड रहते हैं, वो आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, उसको लगाने से हैंडल एकदम प्ले आ जाता है, और ये हैंड ब्रेक को लगा रहे। अभी जो लगा रहे हो क्लच को लगा रहे हैं, और ये ऑयल देख सकते हैं आप 2 लीटर टोटल है, देख सकते हो ये फिल्टर है ओरिजिनल बजाज कंपनी का, तो आप सर्विसिंग करें उधर ही मिल जाएगा, खुद बदलेंगे, आप देख सकते हैं पुराना निकाल के नया डाल रहे हैं। देख सकते हो दोस्तों उन लोगों ने क्या किया, प्लास्टिक की थैली लगाई है और बाद में खोला है। इसका फ़ायदा ये रहता है जो ऑयल निकलते समय फिल्टर गिरता है वो इंजन के साइड में न जाके सीधा कैरी बैग में आता है, इससे इंजन में जो ऑयल लगता है इसे ख़राबी नहीं होती और गंदगी भी नहीं होती, वहाँ से उतना एरिया ऑयल लगने के कुछ डस्ट वगैरह लगने पर उतना भाग ख़राब दिखता है एरिया, उसके वजह से आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों देख रहे हैं आप नया फिल्टर लगा रहे हैं, ऑयल फिल्टर है ये इंजन के पास लगता है। देख सकते हो पूरा कस रहा है क्योंकि लीक ना रहे। तो अगले पहली वीडियो में आप दूसरी जो सर्विसिंग थी उसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए थे वापस बता रहा हूँ। इसमें 1700 मिली मतलब 1 लीटर और आधा लीटर और 20 मिली मिला के 17 मिली इसमें ऑयल डाल रहे,
किसके अंदर? इंजन के अंदर 17 मिली, 1.5 लीटर और 200 मिली। दोस्तों अभी ये डाला है, ये 1 लीटर डाला है। आज समझ जाएंगे क्या हो रहा है असल में। और अभी ये देख रहे हैं, ये 700 मिली है, मतलब आधा लीटर और 200 मिली, कुल मिला को 1700 मिली होगा। मतलब 1 लीटर, बाद में आधा लीटर, फिर 200 मिली, मिला के 1700 मिली। ये खाली इतना ऑयल 1700 मिली इंजन के अंदर चला जाएगा। दोस्तों फाइनल हो चुका है, अंदर तक जा रहा है धीरे धीरे। और अभी ये जो लगा है आप देख सकते हो, ये डिप्रेशन को लगाया है 300 मिली, आधा लीटर से आधा, उसे 300 मिली बोलते हैं। ये डिप्रेशन में डाल दिया है, आप देखते रहिए। समझ में आया आपको? डिप्रेशन डिप्रेशन में 300 मिली डाल दिया है। दोस्तों आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जा रहा है अंदर, और धीरे धीरे जा रहा है, ऑयल है। अभी इसे निकाल दिया, देख सकते हो डिप्रेशन से। अब ये गियर बॉक्स में डाल देंगे। दोस्तों अभी जो ऑयल डाल रहे हैं इसमें गियर बॉक्स में डाल रहे हैं, सुनो, गियर बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये 500 मिली जा रहा है, आधा लीटर से 100 मिली कम, 500 मिली डालना है। ध्यान से सुनिए, गियर बॉक्स में डाल रही है। दोस्तों वापस सुनिए, इंजन में 1700 मिली, डिप्रेशन में 300 मिली, गियर बॉक्स में 500 मिली, टोटल मिला के 2 लीटर 500 मिली टोटल ऑयल रहेगा। समझ में आया आपको? 2 लीटर 500 मिली, मतलब 500 मिली आधा लीटर को 100 मिली कम। देख सकते हैं दोस्तों ऊपर से जो ढक्कन खुले थे, बोल्ट बोल्ट भी बोल सकते हैं, ढक्कन भी बोल सकते हैं, उसके वापस कस रहे हैं। इस तरह कसी है क्योंकि उसके अंदर गाड़ी धोते समय पानी नहीं जा सके। दोस्तों देख रहे पकड़ से टाइट किया है सब, कुछ जगह पाने लग सकते, फिक्स पाने, उससे आप टाइट कर सकते हो। सर्विस सेंटर में आप देख सकते हो वापस वो सब जगह पे चेक कर रहे हैं कहाँ से ऑयल वगैरह नहीं निकल पाए, और अपना ऑयल बदलने का काम हो चुका है पूरा। और विशाल पाटिल टेस्ट ड्राइविंग ले रहे हैं शोरूम में के बाहर, कि गाड़ी ब्रेक वगैरह बाकी कुछ चीज़ें अच्छी हो गई क्या नहीं। दोस्तों
वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने अच्छे दोस्तों को दिखाइए। और ये देख सकते हैं जॉब कार्ड पे कितना कुछ, हर सामान की कितना खर्चा हुआ है सब लिखा रहता है। फाइनल पेमेंट करते समय हमें एक साइन करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं फिल्टर, उनका सर्विस चार्ज 150 रुपये लिया है। अब वापस स्टॉप करके आप देख सकते हैं क्या कि किसका कितना पैसा लिया है।